मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर, आए हुए सभी साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप सबको पता ही, हमारा जो मुद्दा है हमारे ट्रैक्टर भाइयों का, रेत बजरी को लेकर, जो खनन को लेकर सरकार ने पिछले कई सालों से प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है, तो हमारे जो ट्रैक्टर भाई हैं, जो लेबर तबके के लोग हैं, जहाँ जो मकान बनाने की ज़रूरत कर पाते थे, बड़ी मुश्किल से गरीब एक कमरा खड़ा करने की ज़रूरत करता था, लेकिन उसको आज इतनी परेशानी हो रही है कि जो मटेरियल है वो काफ़ी महंगे दामों में से मिल रहा है। तो जो प्रतिबंध है ये खाली गरीबों के लिए है, लेकिन बाकी सारा सिस्टम जो चल रहा है, आपने देखा होगा जो रिंग रोड का पुल है तवी के अंदर वो बन रहा है, उधर कोई नहीं उसको रोक रहा, तवी रिवर फ्रंट का काम भी चल रहा है उसको कोई नहीं रोक रहा, वहाँ पे कोई स्टे नहीं है, लेकिन आज आके गरीब के ऊपर स्टे है, ये हमें समझ नहीं आ रही है। हमें हमारे गरीब ट्रैक्टर भाइयों को क्यों हरासमेंट, और क्यों उनको लाख लाख रुपए के चालान किए जा रहे हैं? तो हमने सुना है कि 24 तारीख को माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सांबा में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी जेनुअल मांड है, डिमांड है, और जो गरीबों का यही मुकाबला है, और हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भाजपा के जो राज्य अध्यक्ष हैं, कि हमारी जो बात है माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए, और जो जो हमारा मसला है इसको हल किया जाए। इसी के साथ आपने देखा होगा कि जो कई जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी फाइलें हैं जो ऑफिसों में पड़ी हुई हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें कैसे 1,20,000 में ये मकान बनाए, इतने में तो खाली रेत बजरी ही मिल रहा है। जो रेत की ट्रॉली 900,000 में मिलती थी, आज वो 3,000 में मिल रही है। इस स्टे का हमें कोई समझ नहीं आ रहा है कि स्टे की आड़ में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जम्मू तवी के अंदर, और भी जो छोटे बड़े नदी नाले हैं, 2019 में उनके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने बैन लगा के बंद कर दिया था, आज जो खोले हैं खाना पूर्ति के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट ने, तो वो उन वो एक खाना पूर्ति है, वो छोटे छोटे ब्लॉक हैं, लेकिन हमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि जो सरकार ने इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, जैसे रिंग रोड है, अखनूर रोड है, एयरपोर्ट का है, IIIT है, IIM है, ये मटेरियल कहाँ से इतना आ रहा है? अगर गरीब जाए उसके लिए बैन है, और जो बाहर से आई हुई फर्में हैं या ठेकेदार हैं उनके लिए कोई बैन नहीं है। क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारा ये गरीबों का मसला हल होना चाहिए, जो जो नदी नाले हमारे हैं जम्मू कश्मीर के निवासियों के हैं, और ये खुलने चाहिए, जैसे पहले चलता था 2016 से वैसे अब चलना चाहिए।